फिल्मों पर लगातार बयान देने के मामले को लेकर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा अब बीजेपी आलाकमान के निशाने पर आ गए हैं। बता दें, बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने बिना नाम लिए एमपी के गृह मंत्री को फिल्मों पर बयान नहीं देने की नसीहत दे डाली। जानकारी की माने तो पीएम मोदी ने बैठक में बीजेपी नेताओं को सलाह देते हुए कहा, एक नेता है जो फिल्मों पर बयान देते रहते हैं, उनके बयान टीवी पर चलते हैं, उन्हें लगता है वे नेता बन रहे हैं। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी उन्हें फोन किया लेकिन वे मानते नहीं, क्या जरूरत है हर फिल्म पर बयान देने की। वहीं सियासी गलियारों में पीएम मोदी की इस नसीहत को शाहरुख खान की फिल्म पठान से जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल बीजेपी नेता लगातार फिल्म पठान को बॉयकॉट करने की धमकी दे रहे हैं, जिसमें नरोत्तम मिश्रा का नाम भी शामिल है। हालांकि पीएम मोदी की ओर से सामने आए इस बयान में कहीं भी फिल्म और किसी भी नेता का जिक्र नहीं है। वहीं पीएम की इस नसीहत के बाद नरोत्तम मिश्रा का भी मामले में बयान सामने आया, जिसमें एमपी के गृह मंत्री ये कहते नजर आए कि वे पीएम की हर बात शिरोधार्य है। देखिए, नाम किसी का नहीं लिया है, पर उनका हर शब्द हर वाक्य हमारे लिए सुरोदार है और इसलिए सारे कार्यकर्ता वहां से प्रेरणा लेके आए। हमारे जो आचरण और व्यवहार हमेशा उनके मार्गदर्शन से ऊर्जा से भरते हैं और आगे भी भरे रहे। गौरतलब है कि नरोत्तम मिश्रा ने हाल ही में शाहरुख खान की फिल्म पठान पर एक के बाद एक कई बयान दिए। इतना ही नहीं, इस दौरान तो गृहमंत्री फिल्म के गाने बेशरम रंग में दीपिका पादुकोण के भगवा बिकनी पर भड़क गए और फिल्म को बॉयकॉट करने की धमकी दे डाली, जिसके बाद अब पीएम मोदी का ये बयान वो गंभीरता से लेते हैं ये देखना होगा। लेकिन पीएम के इस बयान के बाद नरोत्तम मिश्रा का राजनीतिक औहदा पार्टी में कमजोर होता नजर आ रहा है। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताजा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।